नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण भारत देश में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भुखमरी की नौबत आने की वजह से सभी ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को अपने वाहनों के फिटनेस चार्ज, इंश्योरेंस, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की फीस भरना बड़ा कठिन होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलतरण सिंह ने नागपुर ट्रक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कुक्कू मारवा से चर्चा की। तदउपरांत समस्त ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की दिक्कतों को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बताकर सभी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। कुक्कू मारवा ने तुरंत केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी से संपर्क कर उनको ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की अपनी व्यवसाय में आने वाली दिक्कतों को बताया। गडकरी ने कुक्कू मारवा को आश्वासन दिया कि शासन की ओर से 31 अक्टूबर जो कि आखिरी तारीख थी, अब उसे एक महीने आगे बढ़ा दी गई। यह पूरे देश में लागू होने से सभी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने राहत की सांस ली। इस निर्णय पर कुलतरण सिंह व कुक्कू मारवा ने नितिन गडकरी का आभार माना। मारवा ने बताया कि हमारी हर दिक्कतों में नितिन गडकरी ने हर वक्त साथ दिया। उनके मार्गदर्शन में फिर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भविष्य में अपने व्यवसाय में सफल हो सकेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा 66वां रेल सप्ताह समारोह मुख्यालय स्थित सभागार में बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यालय एवं तीनों मंडलों बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर के वाणिज्य विभाग में कार्यरत उत्कृष्ट कर्मचारियों को प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक स्तर पर वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित इस रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह में सैयद निषाद अली, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वाणिज्य विभाग के 72 कर्मचारियों सहित 3 ग्रुप अवार्ड प्रदान किए गए। बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर सहित वाणिज्य विभाग मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के दौरान वाणिज्य विभाग के कई कर्मचारी अपनी कर्तव्य निष्ठा में कार्य करते हुए अभूतपूर्व प्रदर्शन किए हैं, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। प्रधान मुख्य वाणिज्य विभाग के द्वारा आयोजित 66वां रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह के दौरान अजय शंकर झा, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेल के अधिकारी उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका एवं राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग व महापौर एवं आरंभ गणेश उत्सव मंडल गांजा खेत चौक नागपुर द्वारा आयोजित महापौर निशुल्क आरोग्य शिविर गुरुवार को लिया गया। कोरोना काल के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति ध्यान में रखते हुए ये शिविर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नागपुर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विशेष अतिथि मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे व आरोग्य सभापति संजय महाजन, विशाल लारोकर, हेमंत बर्डे आदि उपस्थित थे। यह कार्यक्रम मंडल के विक्रम खुराना के नेतृत्व में लिया गया। साथ में मंडल के पदाधिकारी रवि बोकड़े, हितेश डोईफोड़े, विमल कलमकर, जीवन झाड़े, अक्षय दंडारे, मोहित खापेकर, किशन बनारकर, हिमांशु मोहाड़ीकर व मंडल के सभी कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। पिछले वर्ष से कोरोना महामारी ने सामान्य परिवार का जीवन दुश्वार हो चुका है। कई परिवार जो प्राइवेट नौकरी कर अपना गुजारा करते थे, कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां भी नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में किसी बड़ी बीमारी का आना जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूटना। उत्तर नागपुर के ऐसे ही एक परिवार की बेटी को कैंसर जैसी बीमारी होने का पता चला और जल्द उपचार करना आवश्यक था। ऐसी कठिन परिस्थिति में फिर एक बार अस्तित्व फाउंडेशन ने आगे आकर सहयोग के लिए कदम बढ़ाए। संस्था के पदाधिकारी एवं सभी कार्यकर्ताओं की मदद से अस्तित्व फाउंडेशन के द्वारा पीड़िता के परिवार को छोटी सी मदद के तौर पर 18,001 रुपए का चेक संस्था के माध्यम से प्रदान किया गया और धैर्य एवं आपसी प्रेम से जल्द ही भविष्य में सब कुछ ठीक होगा, इस विश्वास के साथ आश्वासित किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष प्रकाश हेडाऊ, सचिव विशाल बोकड़े, विनोद नंदनवार, गोपाल हेडाऊ, महिला मंडल सचिव शीला कोहले आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। गान कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का 92वां जन्मदिन कई संगठनों द्वारा विभिन्न तरीकों से मनाया गया, लेकिन हार्मनी इवेंट्स द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इसमें से अनोखा था। इसमें नागपुर की 92 गायिकाओं ने लता मंगेशकर की सुरीली आवाज से अमर हुए
92 एकल गीतों का प्रदर्शन कर उन्हें संगीतमय अभिवादन किया। हार्मनी इवेंट्स के वुमेन एरा के तहत गायिका लता मंगेशकर के 92 जन्मदिन के अवसर पर उन्हें अभिवादन करने के लिए ट्राइब्यूट टू भारत रत्न लता मंगेशकर का आयोजन किया गया। हार्मनी परफॉर्मेंस स्टूडियो से फेसबुक लाइव किए गए। इस कार्यक्रम की कल्पना हार्मनी के निदेशक राजेश समर्थ ने की थी। राजेश समर्थ ने 92 गायकों को एक साथ लाया और उनसे लता मंगेशकर के 92 चुनिंदा एकल गीतों को गवाया। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर अरुणा जगताप ने वो भूली दस्ता इस गाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहले चरण में विजय वाइंडेस्कर, ज्योति तिड़के, गीता बावनकर, दीपा बातुलवार, जयश्री लूले ने ना जाने क्या हुआ, अजीब दास्ता, तेरे मेरे साथ, आजा पिया तो है, आजकल पाव जमी पर जैसे गीतों की प्रस्तुति दी। हर घंटे नई गायिकाएं नए गीतों के साथ आती और गाती रही। आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री प्रज्ञा सागर महाराज, श्री आर्यिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं ससंग का चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली दिगंबर जैन तीर्थ क्रॉड पैलेस नई दिल्ली अध्यक्ष सुमत लल्ला जैन, जैन राजनीतिक चेतना मंच महाराष्ट्र संगठन मंत्री डॉक्टर चंद्रनाथ भागवतकर, किशोर कहाते, कमल अजमेरा ने दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया एवं श्रीफल चढ़ाकर नागपुर महाराष्ट्र आगमन के लिए निवेदन किया। भारत वर्षीय श्री दिगंबर जैन महासभा वर्षों से मंदिरों के जीर्णोद्धार साधु संतों देव शास्त्र गुरु समाज के विकास कार्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। हाल ही में त्रिलोक तीर्थ धाम बड़ा गांव में महासभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गजराज जैन गंगवाल दिल्ली, महामंत्री प्रकाश बड़जात्या चेन्नई, कोषाध्यक्ष डोंगरमल दिल्ली निर्वाचित हुए, पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। महासभा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमत लल्ला जैन नागपुर महाराष्ट्र की नियुक्ति हुई। देश के अन्य शहरों में आने वाले लोगों ने अब नागपुर को गड्ढापुर नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। बीते बरसों में ऑरेंज सिटी की इतनी दयनीय हालत कभी नहीं हुई। इस आशय की शिकायत मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी से नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने की। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे तथा अतुल कोटेचा के मार्गदर्शन में मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में महासचिव रिंकू जैन एवं मेहुल आडवाणी का समावेश रहा। उनका कहना था कि बेमौसम हो रही बरसात ने सड़कों के चिथड़े उड़ाकर रख दिए। अच्छी भली सड़कों पर नजर आ रहे छोटे बड़े अनगिनत गड्ढों ने ठेकेदारों की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी। शायद यही वजह है कि इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। दुर्घटना का शिकार हुए परिवारों को मुआवजा देना तो दूर की बात है, उनको सांत्वना देने के लिए मनपा के कर्णधारों के पास जरा भी फुर्सत नहीं है। आए दिन बैठकों का आयोजन करके कोटी लीप टपोती कर दी जाती है। तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक सुर में यह मांग की कि इस सारे मामलों की गहराई से छानबीन की जाए। महमूदा शिक्षण एवं ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित 192 गांधी जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जिलाधिकारी आर विमला, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद, सीईओ जिला परिषद योगेश कुंभलकर, असिस्टेंट कमिश्नर पी हरडे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक इलमे, भाग्यश्री भोयर, शेख हसनैन शाकिर, सदस्य वक्फ बोर्ड, उन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, डॉक्टर एस एम राजन, तुषार मेश्राम, मुमताज अली आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को माल्यार्पण करके की गई। छात्रों ने स्वागत गीत गाया। DDUGKY बैच का उद्घाटन, रोजगार प्रमाण पत्र का वितरण तथा मुख्यमंत्री महा आरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट इस कोर्स का जिलाधिकारी आर विमला के हाथों किया गया। आर विमला ने अपने भाषण में कहा कि जीवन में जल्दी करना भी जरूरी है। हम हर काम कल पर डालते हैं, समय का सही उपयोग नहीं करते। कम पड़े बेरोजगार युवा जीवन से मायूस युवाओं के लिए कौशल्य विकास एक जीवन संजीवनी है, इससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जिलाधिकारी विमला आर ने कहा कि गांधी जी के आदर्श आज भी प्रासंगिक है।
वर्तमान समय में सामाजिक तनाव के कारण बढ़ती खुदकुशी जैसी घटनाओं के मद्देनजर दयानंद आर्य कन्या विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय के सांस्कृतिक सभागृह में खुदकुशी या खुद की खुशी एक कदम जीवन की ओर कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। नागपुर के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक मानस शास्त्र डॉक्टर प्रबोध के मुख्य आतिथ्य में इस सटीक परिचर्चा का आयोजन किया गया। दयानंद आर्य कन्या विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय की प्राचार्य तेजिंदर वेणुगोपाल ने डॉक्टर प्रबोध का परिचय दिया और उनके उपलब्धियों से अवगत कराया। प्राचार्य ने अत्यंत सुंदर कविता तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर के माध्यम से जीवन को अत्यंत धैर्य तथा सकारात्मकता से जीने का आह्वान किया। तत्पश्चात पर्यवेक्षिका मोनिका सिंघेल व भावना बेलानी, जूनियर कॉलेज अध्यापिकाओं सोनल चावला, संगीता ज्ञान चंदानी ने खुदकुशी के हालातों, खुदकुशी के कारणों, बच्चों पर बढ़ते मानसिक दबाव तथा ऑनलाइन गेम्स का बच्चों पर प्रभाव आदि सामयिक प्रश्नों को डॉक्टर प्रबोध के समक्ष रखा। सभी प्रश्नों के समाधान कारक उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रबोध ने बताया कि उचित पारिवारिक वातावरण बच्चों को समय व स्नेह देकर तथा जीवन शैली में परिवर्तन लाकर खुदकुशी की घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हिंगना कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव 9 अक्टूबर को होना था। पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग के नेतृत्व में इस चुनाव में एनसीपी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, किंतु इन प्रत्याशियों के खिलाफ कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं होने के कारण चुनाव निर्वाचन अधिकारी पीएन शेंडे ने हिंगना कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव निर्विरोध संपन्न होने की घोषणा की। 9 अक्टूबर को होने वाले कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव में 14 सितंबर को एनसीपी उम्मीदवारों ने आवेदन दाखिल किया था। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि तक केवल राकापा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, अन्य किसी भी दल ने उनके खिलाफ नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था। इस कारण निर्विरोध चुनाव का रास्ता साफ हो गया। सेवा सहकारी संस्था के निर्विरोध निर्वाचित संचालन मंडल के सामान्य 7 सदस्यों में राकेश पन्ना से दिलीप कालबांडे, विठल मनियार, विठल दास घोंगड़े, मिथिलेश कान्हेरे, प्रेमलाल चौधरी, प्रभाकर लेकुरवाड़े और सेवा सहकारी संस्था अन्य पिछड़ा वर्ग बबनराव अवाले, सेवा सहकारी संस्था महिला आरक्षित सरलाबाई लोखंडे, सुशीला राउत, सेवा सहकारी संस्था वीज भज बाबूराव राठौड़, ग्राम पंचायत सामान्य वर्ग मिलिंद काचोरे, भाऊराव गोंदले, तोलारी एवं व्यापारी हमाल मतदार संघ से गुणवंत चामाटे आदि शामिल है। श्री दिगंबर जैन महासमिति द्वारा पारस चैनल पर लाइव क्षमावानी दिवस का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया, जिसके प्रमुख संयोजक डॉक्टर मनिंदर जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासमिति एवं घेवरचंद बोरा अध्यक्ष जियो इस अवसर पर जैन धर्म की 10 दिन की पर्युषण पर्व की समाप्ति पर संपूर्ण भारत वर्ष में क्षमा दिवस मनाया जाता है। इस पर्व पर मन से जाने अनजाने में की हुई गलतियों की क्षमा मांगी जाती है और क्षमा के भाव को अपनाना ही जैन की सच्ची पहचान है। इस अवसर पर जैन धर्म के गुरु एवं आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, जिसमें आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महाराज, आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज, पूज्य श्री पद्म सागर जी महाराज, पूज्य डॉक्टर आचार्य लोकेश के साथ ही प्रमुख अतिथि में केंद्रीय नितिन गडकरी, डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, आचार्य शैलेश तिवारी वैदिक तंत्र गुरु, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, फादर डॉक्टर एमडी थॉमस, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, श्रीमती नीता डिसोजा, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, ओम प्रकाश सकले, उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश, कविंद्र गुप्ता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर राज्य घेवरचंद बोहरा, डॉक्टर मनिंदर जैन सहित कई अन्य मान्यवर उपस्थित थे। दीर्घकाल से बंद धार्मिक स्थल, मंदिर और पूजा स्थल के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी 7 अक्टूबर से जिले के कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले धार्मिक तथा पूजा स्थल शुरू करने के आदेश जिला अधिकारी विमला आर ने संबंधित धार्मिक संस्थाओं को दिए हैं। धार्मिक स्थलों में वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले श्रद्धालुओं को ही अनुमति मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए ही धार्मिक संस्थाएं भाविकों को प्रवेश दें।
धार्मिक स्थलों में प्रवेश करते समय मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी का पालन करना तथा धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से भाविकों के शरीर के तापमान की जांच, हाथ स्वच्छ धोने की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। धार्मिक स्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को टीकाकरण के 2 डोज और दूसरी खुराक के साथ 14 दिन पूरे करना अनिवार्य होगा। उन्हें फोटो सहित पहचान पत्र के साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रवेश द्वार पर दिखाया जाना चाहिए। बच्चों का टीकाकरण शुरू न होने के कारण 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियों को आयु के प्रमाण के रूप में प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैध स्कूली पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने और जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः पेट्रोल अथवा पूर्णतः इथेनॉल से चलने वाले फ्लैक्स फ्यूल इंजन को जल्द ही वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। भविष्य में जो लोग पेट्रोल वाहन खरीदेंगे उनमें फ्लैक्स इंजन ही होंगे। वे यहां रेजिलिएंट के 116वें वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। देश को आज 12 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करना पड़ रहा है। इस आयात को कम करने के लिए इथेनॉल जैसे जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना होगा। गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति है। इथेनॉल प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। यह ईंधन आयात का विकल्प, सस्ता, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त है। उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसे में हम इस ईंधन की ओर क्यों नहीं मुड़े। उन्होंने कहा कि अनाज के साथ कोयले से भी इथेनॉल बनाया जाता है। इस अर्थव्यवस्था को विकसित करने की कोशिश जारी होने की बात करते हुए गडकरी ने बताया कि चावल की भूसी से सीएनजी बनाना संभव हो सका है। कोरोना महामारी के कारण प्रमुख सदस्य की मौत से कई परिवारों की आर्थिक स्थिति चिंताजनक हो गई है। ये बताते हुए संभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने कहा कि कोविड काल में अपने मुखिया को गवा देने वाले परिवारों की मदद के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को प्रशासन के साथ सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। वे यहाँ फंक्शन जंक्शन सभागृह में जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय तथा सह्याद्री फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में कोविड के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के साथ साथ अपने पुरुष कर्ता को खोने वाली परिवार की महिलाओं को सहायता राशि चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त महिला एवं बाल विकास रविंद्र पाटिल, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति राजीव थोरात, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे, सह्याद्री फाउंडेशन के निदेशक विजय शिरसागर इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में 100 परिवारों को प्रत्येक को 30,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। श्रीमती लवंगारे वर्मा ने कहा कि कोविड के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की देखभाल और सुरक्षा का फैसला सरकार ने लिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त थी, इस महामारी से हमारा देश भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। ये बताते हुए राज्य मंत्री सुनील केदार ने कहा कि ऐसे संकट के दौर में जब स्वास्थ्य सुविधा कई स्थानों पर चरमरा गई थी, नागपुर जिला परिषद के सभी पदाधिकारियों ने नागरिकों की मदद कर बेहतरीन कार्य किया है। वे यहाँ जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव के संबंध में मौदा तहसील में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तहसील के पार्डी कला, खापरखेड़ा, अरोली, इंदौरा, कोढ़ामेड़ी, वाकेश्वर, टांडा, धनोली, सुकली आदि गांव का दौरा कर बैठक ली। केदार ने कहा, नागपुर जिला परिषद ने कोरोना काल में एक ही दिन में जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 36 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। जिला परिषद के सभी पदाधिकारियों और सत्ताधारी दल के सदस्यों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की सावधानी पूर्वक योजना बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को पूरा किया। मंत्री के रूप में मैं स्वयं तथा जिला परिषद के पदाधिकारियों सदस्यों ने कोरोना काल में सभी ग्रामीण अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का कई बार दौरा किया है। सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामोदय विकास समिति के अध्यक्ष गोपाल बाबूजी बांगड़े ने जिलाधिकारी विमला आर से अपने बेटों बेटियों और करीबी रिश्तेदारों से प्रताड़ना, अपमानित और जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर वरिष्ठ नागरिकों के उपविभागीय अधिकारी के ट्रिब्यूनल कोर्ट में लंबित प्रकरणों का जल्द निपटारा कर उन्हें न्याय दिलाने की मार्मिक अपील की है।
गौरतलब है कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं उनसे संबंधित समस्याओं के निराकरण सुलभ होने की मंशा से केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ माता पिता भरण पोषण कानून 2007 के तहत जिला अधिकारी के मातहत उप विभागीय दंडाधिकारी को प्रकरणों को निपटारे के लिए विशेषाधिकार दिए गए, किंतु अध्यक्ष पदस्थ भरण पोषण अधिकारी एवं उप विभागीय अधिकारी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कदापि नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ माता पिता भरण पोषण कानून 2007 के तहत अपील करने के बाद एक या दो सुनवाइयों में ही चैप्टर 2 कलम 5 के सब रूल 4 के अंतर्गत 90 दिनों के भीतर विवादों पर फैसला देने का विशेषाधिकार अध्यक्ष भरण पोषण अधिकारी एवं उप विभागीय दंडाधिकारी के ट्रिब्यूनल कोर्ट को मिले हैं। बुजुर्गों को न्याय पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जो कि अनुचित है। नागपुर शहर में महापौर कप अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धा का हर साल आयोजन किया जाता है। इस खेल का प्रचार करने के लिए मराठा लॉन्सर्स के माध्यम से किया जा रहा है। खेल व सांस्कृतिक क्षेत्र और इसी तरह राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व महापौर व पूर्व मंत्री स्वर्गीय भाऊसाहेब सुर्वे के 90वें जयंती के अवसर पर महाल टाउन हॉल स्थित उनके पुतले पर गांधीबाग जोन की अध्यक्षा श्रद्धा पाठक ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप खर्डेनविस, अरुणा खंते, हेमंत कड़ू, हेमंत क्षत्रिय, विपुल राठौड़, संजय कावड़कर, गजानन गवई, शैलेश जांबुलकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने गुरुवार को 2 दुकान प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 15,000 का जुर्माना वसूला। टीम ने 47 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार और एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कार्रवाई की। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने गुरुवार को बगैर मास्क के घूमने वाले 24 गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनमें से प्रत्येक से 500 रुपए के अनुसार 12,000 रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 40,666 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और अब तक करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि का जुर्माना वसूला है। शहर में मामले कम हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा अब भी नहीं टला है। अब भी अनेक जगहों पर नागरिक सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। शहरी हिस्सों में बगैर मास्क के नागरिक खुलेआम बाजारों जैसी जगहों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकती है। इसके चलते उपद्रव खोजी दल द्वारा इस प्रकार के गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसी हरकतों से वे खुद के तथा खुद के परिजनों के स्वास्थ्य के साथ साथ समाज और शहर के लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार तथा उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में यह तमाम कार्रवाई की जा रही है। आज नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर भी 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविशील्ड का टीकाकरण होगा। टीकाकरण का समय शाम के 5 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड टीका लगाया जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चीलकर ने दी। इस तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर मनपा स्त्री अस्पताल पांच पावली और प्रगति हॉल दिघोरी में उपलब्ध है। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।